देशकों आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं अगर हम जिला किश्तवाड़ के सब डिविजन छात्रों की कहीं देहाती इलाकों की बात करें तो वहां अपना साथ अपना विकास। अब बात करते हैं पंचायत इंद्रवाल बी गांव खारियन की। यहां के लोग पिछले 12 साल से पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जहां मरकजी सरकार जल शक्ति अभियान ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बातें करती हैं, दावे करती हैं, आइए दिखाते हैं यहां के लोग किस तरह लाचार और मजबूर हैं। पिछले एक महीने से खुद ही पाइपलाइन रिपेयर कर रहे हैं। तो किस तरह यहाँ की गरीब आवाम को जो है पानी की बहुत किल्लत है। इस गांव के कुछ मकामी मर्द और कुछ मकामी खावतीन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पाइपें लेकर इस सरताप की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अभी खारियन के कुछ मकामी लोग जुड़ चुके हैं और इनसे पूरी तफसील से हम जानेंगे कि किस तरह इन लोग आज एक महीने से खुद ही पाइपलाइन जो है रिपेयर कर रहे हैं। इसमें ना इनको किसी डिपार्टमेंट की मदद है ना किसी और अन्य बंदे की। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं विनोद कुमार। तो विनोद जी, कितने दिनों से जो है आप पाइपलाइन को रिपेयर कर रहे हैं? पिछले एक महीने से हमारे साथ पूरे हमारे गांव वाले साथ दे रहे हैं, जिन्होंने एक महीने से पूरा कष्ट के साथ, ऐसी कंडीशन हुई है सब लोगों की, कुछ कहने की बात नहीं है। एक महीने से दिन में एक टाइम का खाना होता है, मतलब कभी तो समझो वो भी नहीं नसीब होता है। शाम को क्या खाएंगे वो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन सारे लोग, जितने भी लोग हमारे गाँव के, सब ने साथ दिया। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा, किसी ने भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इनको पानी है। लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं थी ना हमारे गवर्नमेंट से ना हमको डिपार्टमेंट से, इसलिए हम लोगों ने सब ने मिल के एक कदम उठाया कि चलो छोड़ो सबको, हम खुद ही देख लेते हैं हम कहां तक पहुंचेंगे। और आप ये पाइपें अगर देखोगे, आप हमारे साथ बाद में चलना, कहां कहां से ये पाइपें निकाली है, कौन कौन से नालों से निकाली हैं। और यहाँ सचमुच में हमारे गाँव के लोगों ने पैर तक पकड़े हैं लोगों के कि हमें यहाँ से पानी दो, यहाँ से। जब डिपार्टमेंट ने दिया तो उसके बाद उसने कोई मुलाजिम ही नहीं रखा। क्यों नहीं रखा मुलाजिम, क्या मैं जानना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से। इतनी बड़ी स्कीम के पीछे क्या कोई मुलाजिम नहीं था? आज हम खुद हम मजबूर हुए ये लाइनें उठाने के लिए, क्योंकि हमने नालों में लाइनें देखी। हमको यही अफसोस होने लगा, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे लोगों का खून है,
हमने सोचा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कोई साथ देने वाला नहीं है, तो हमारे ये कोई हेल्प नहीं है आपको पेची डिपार्टमेंट से, जैसे साकेट्स लग रहे हैं आपका, खाने पीने का जो बंदोबस्त है कैसे आप लोग अरेंज कर रहे हैं, जरा हमें ये भी बताइए। खाने पीने का बंदोबस्त तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग थोड़ा ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, हम हमारी तो साकेट यूनियन ये देख सकते हो आप, ये हम खुद खरीद रहे हैं, ये 1800 का एक पड़ रहा है हमको, लेकिन खुद ले रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं, एक साकट तक अभी हमको डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं मिला है। लगभग पिछले 1.5 महीने से है हमारा गांव, हमारे गांव के जो लौंडे हैं, लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, हम सारे पूरा गांव है यहाँ पे, लगभग कोई हम 100-150 लोग हैं यहाँ पे, हम पानी की रिपेयर कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, पाइपें रिपेयर कर रहे हैं, अपने हाथों से रिपेयर कर रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, कोई हमारे साथ कोई मुलाजिम नहीं है यहाँ पे, कोई पीएचई वाला नहीं है हमारे साथ यहाँ पे, कोई से कोई फॉर्मेलिटी के लिए पैसा निकालने के लिए ये पाइपें बिछा दी थी ऐसे ही, हमने कहीं पहाड़ों से हमने पाइपें पीठ पे उठा के लाई है, 2.5 इंच की पाइप है, कोई 45 किलो की पाइप है, हमने हमारे छोटे छोटे बच्चों ने पाइपें उठा के लाई है। तो क्या हमारे गांव से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो डीसी साहब के पास गए और लेकिन वहां पे उनको कुछ नहीं मिला, ठेकेदार की भी और डिपार्टमेंट की भी लापरवाही है, जब उनको पैसा मिला था, जब पैसा मिलता है तो काम क्यों नहीं अच्छा करते हैं, उन लोगों ने तो अपनी सारी जेबें भर दी, पैसों से अपनी जेबें भर दी, लेकिन हमारा ख्याल नहीं किया उन्होंने कि एक पानी, हम तो 12 साल से पानी के बगैर मर रहे हैं, हमारे हमको एक बूंद नहीं है पानी पीने के लिए, इसलिए हमने फैसला किया कि हम खुद ही जाएं और खुद ही अपनी पाइपलाइन रिपेयर करके खुद ही को पानी लाएं। डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा जवान हो गए 1 महीने से इधर, हमारा पूछ पाछ कोई नहीं कर रहा है। कितने सालों से आपको पानी नहीं है? 12 साल से नहीं हमको पानी नहीं, 12 साल में आया, 6 महीने पानी खाली क्या, 6 महीने के बाद नहीं आया पानी कुछ नहीं, 12 साल हो गए पानी के बगैर, अब एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे। कितने लोग हो आप जो आप खुद ही पाइपलाइन रिपेयर कर रहे हो? उस वक्त नाम कम से कम 100 लोगों ने, 110 होता 105 होता, आज कोई घर पे गया 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए घर पे गया, कोई लेबर हमारे पीछे है रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो क्या डिपार्टमेंट का कोई मुलाजमीन आपके साथ है या नहीं? डिपार्टमेंट हमारा नाम ही लेते नहीं है, बोलता इधर है नहीं कुछ, आपका खाता ही नहीं इधर। हम पिछले 1 महीने से यहाँ पर इस पाइपलाइन की रिपेयरमेंट के लिए लगे हुए हैं, सिर्फ मैं ही नहीं पूरा गांव लगा हुआ है, जो कि आपने मेरे दूसरे साथियों से सुना कि किस तरह हमने किन मुश्किलों का सामना करके इस पाइपलाइन को यहाँ तक पहुँचाया, जबकि 1 महीने से हम लगे हुए हैं, तब 1 महीने से डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा हमारे पास नहीं आया, कोई भी शख्स हमारे लिए मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, बाकी हमारे पूरा गांव मिलके 10-10, 15-15 हजार रुपए जमा करके हम इस पाइपलाइन की रिपेयरमेंट का सामान ला रहे हैं। जब हम डीसी साहब के पास गए तो एक्सएन ने वहां पे क्लियर कर दिया कि वो हमने जल जीवन मिशन में डाला है तो वो 2021 के बाद ही स्टार्ट होगा, तो उसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट बैक टू विलेज प्रोग्राम में हमने मांगा था जनसुर टू खारियन, उस पे भी कोई काम नहीं हुआ, वहां पे डीसी साहब ने बोला कि बैक टू विलेज प्रोग्राम कभी भी बंद हो सकता है, वो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला अभी नहीं है, आपने वेट करना पड़ेगा। तो फिर हम वापस आके पूरे गांव ने सोचा कि अगर हम डिपार्टमेंट और सरकार को देखेंगे तो हम फिर पानी के बगैर ही मर जाएंगे, तो हमने उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा लापरवाही है, क्योंकि उन्होंने इनकम्प्लीट लाइन को पास करके उनकी बिलें निकलवाई, प्रोजेक्ट कम्प्लीट दिखाया और हमारा खारियन गाँव जो है पानी की बूंद बूंद के लिए पानी का है, 20 साल से मुश्किल था हमें पानी का, हमें देखा नहीं कहीं, कपड़े धोएंगे या पियेंगे या नहाएंगे किससे क्या करेंगे, हमारी जिंदगी जाया होगी पानी के बगैर, पहली यही है कि हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए, ये पानी मुस्तकिल होना चाहिए, ये रहना चाहिए, इसकी मदद करें। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, खाए वो डिपार्टमेंट कर रहा है, खाए वो कानून कर हुकूमत कर रही है, खाए कोई मिनिस्टर कर रहा है, खाए कोई MLA कर रहा है, ये मिल के हमारे साथ पूरा नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई साल नहीं होगा, कोई दिन नहीं होगा, कोई महीना नहीं होगा, जिस दिन भी हम जिसके पास भी जाते हैं पानी मांग रहे हैं, पानी के लिए हमें वही ज्यादा मजबूरी है, कोई ना सुनता है, ना कोई हमारी बात आगे लेता है, ना कोई हमारी बात एक तरफ से सुनता है दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। ये प्रोजेक्ट हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, बल्कि करोड़ों का है, तो देखा आपने किस तरह ठेकेदार अपनी मोटी रकम हड़प कर लेते हैं, मगर गरीब आवाम अभी भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। क्या पेची डिपार्टमेंट और उनके मुलाजमीन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? आखिर हमारा सवाल यही रहेगा पेची डिपार्टमेंट और उनके मुलाजमीन से कि आप लोग कब तक सोए रहेंगे? और अभी देखना यह होगा कि यह मामला सामने आने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
कोई इकदाम उठाती है या नहीं। बोल्ड वॉइस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साजन कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट।